नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो गया है DA हाइक, महंगाई भत्ते पर सरकार ने लगा दी है मोहर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बम्बर फायदा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार ने महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन अब इसे मंजूरी मिलने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इसे अप्रूवल दिया जाना है, इसके बाद इसका महंगाई भत्ता 42% की दर से मिलेगा। इसे मार्च में ही दिया जाएगा। जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि अभी कैबिनेट से इसे अप्रूवल मिलना बाकी है। कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी से बम्बर फायदा होने वाला है। दोस्तों, जल्द ही कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में PM मोदी की अध्यक्षता में ही होगी और कैबिनेट की बैठक में भत्ते को मंजूरी दे दी जाएगी। पिछले 3 बार से उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को इस बार निराशा नहीं मिलेगी। महंगाई भत्ते को अप्रूवल मिलते ही केंद्रीय कर्मचारियों को 42% DA का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। अभी तक यह 38% ही था। महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होगा। साथ में वेतन आयोग के तहत महंगाई के चार्ट को देखते हैं तो जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इंडेक्स में 2.6 अंक की तेजी आई, जिसमें कुल महंगाई भत्ते में 4.4% की बढ़ोतरी हुई। ऐसे में कर्मचारी का महंगाई भत्ता 42% होगा। दिसंबर 2022 में CPI IW इंडेक्स 0.2 अंक घटकर 132.3 अंक पर रहा था। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA दिसंबर 2022 के आंकड़ों से कंफर्म हो गया था, लेकिन सैलरी में इसका फायदा तब मिलेगा जब इसे अप्रूवल हो जाएगा और पैसा क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ाने जा रही है। 4% DA बढ़ते ही कर्मचारियों की सैलरी में कुल 720 रुपये प्रति महीने का इजाफा होगा। वही अधिकतम सैलरी रेंज का इजाफा 2276 रुपये महीना होगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 3 की न्यूनतम बेसिक सैलरी रेंज 18,000 रुपये पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक कर्मचारी को नए महंगाई भत्ते के रूप में प्रति महीना 7,560 रुपये का फायदा होगा। वही 38% के हिसाब से उसे हो रहा है 6,840 रुपये का। अब कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? 720 रुपये बढ़ा और सालाना फायदा हुआ 720 को अगर 12 से गुणा करते हैं तो 8,640 रुपये। वही 42% महंगाई भत्ता होने पर लेवल 3 की अगर अधिकतम बेसिक सैलरी वालों पर कैलकुलेशन करते हैं जिनकी सैलरी 56,900 रुपये है तो नया महंगाई भत्ते के हिसाब से उनको फायदा होगा 23,898 रुपये का। 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से उन्हें हो रहा है 21,622 रुपये का। महंगाई भत्ता बढ़ा 2,276 रुपये और सालाना सैलरी में इजाफा हुआ 2,276 को अगर 12 से गुना करते हैं 27,312 रुपये का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।